है कि नहीं। 12 नंबर देखिए, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय द लाइन इतना विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अगर आप यहाँ देखो, वाई वाई की जगह जीरो पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू ए आ जाएगा, यानी कि ए और जीरो पॉइंट इधर कहीं होगा। अच्छा, और एक्स की जगह जीरो करोगे तो वाई का बी निकल के आएगा, क्योंकि ये जीरो जगह जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो जीरो और बी इधर कहीं ना होगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन कुछ इस तरह से होगा। तो इस लाइन से और कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से फॉर्म होने वाला एरिया यही ना होगा, यही ट्रायंगल होगा, यही ना ट्रायंगल होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ बी, ये राइट है, तो 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी कि 1/2 ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट